सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये क्लास मैराथन क्लास रहने वाली है। आज हम जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, बट ये हमारे जनरल अवेयरनेस में भी काम आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर इज़ रिलेटेड टू करंट इन द सेम वे एज एनीमोमीटर इज़ रिलेटेड टू डैस। तो जो एनीमोमीटर होता है वो रिलेटेड होता है, वो बताता है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को। अब टेम्परेचर को बताता है थर्मामीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है वोल्ट मीटर, और ऐसे ही कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो चीज़ें मेज़र करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। नेक्स्ट है फेडोमीटर, फेडोमीटर होता है जो डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन को मेज़र करता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, ये लो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, ये जो ह्यूमिडिटी इन द एयर को मेज़र करता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, वो प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करता है। जहाँ पे लैक्टो वर्ड आता है उसका मतलब होता है मिल्क, कि वो मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो पास हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये स्टार्ट की गई थी 2015 में। अब आप इससे रिलेटेड और भी स्कीम देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, समर्थ स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्वामित्व स्कीम, कुसुम स्कीम, पीएम किसान, PMGKY, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, हृदय स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत प्लान, स्टार्टअप इंडिया, उमंग प्रसाद स्कीम, PMGSY, युवा स्कीम फॉर यंग ऑथर्स, PMJDY, PMSSY, PMMY और APY। इनके आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं और ये कब स्टार्ट हुई थी ये भी देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर आपको अब के रिसेंट के अवॉर्डेड देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ओब्लोगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। छींकना, उल्टी करना, ताली बजाना या फिर खांसना। तो जो नियंत्रित नहीं होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी ताली बजाना। हमारा जो ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, सेकेंड होता है ब्रेन स्टीम और थर्ड होता है सेरिबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। जो सेरिब्रम होता है यह हमारे मूवमेंट को और हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके जो अदर एरिया होते हैं वो हमारी स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग, इमोशन, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। और इसका जो अलग फंक्शन होता है वो होता है देखना, सुनना, फील करना और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ब्रेन स्टीम, जिसको ब्रेन का मिडल पार्ट बोला जाता है। ये सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इसके अंदर होता है मिड ब्रेन, पोन एंड मेडुला। जो मेडुला होता है वो रेगुलेट करता है हार्ट के रिथम को, ब्रीथिंग को, ब्लड के फ्लो को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। और जो मेडुला है वो और भी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी करता है, जैसे कि छींकना, उल्टी करना, खांसना या फिर स्वेलिंग होना। नेक्स्ट है सेरिबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन बोला जाता है। ये मसल मूवमेंट करता है और ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी के पोस्चर को बैलेंस बनाने में, इक्विलिब्रियम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अट न्यूनतम युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था महाराष्ट्र की लोनार लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये हम स्किप करते हैं। आपको करंट अफेयर के लिए
जनवरी 2022 से अब तक के करंट अफेयर देखने हैं, वो आपके लिए सुफिशियंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी नववार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये जो कमेटी बनी थी, ये बनी थी सप्रू कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट डैस ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया, तो ये किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था, उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा प्रासंगिक नहीं था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, उस टाइम पे अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदमाई दैस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, ये था चोल डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस एक निश्चित आयतन होता है, ठोस की आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बल के अधीन होने पर ठोस टूट जा सकता है, ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होते हैं। तो जो इसकी क्वालिटी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? हम मनाते हैं पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? तो जो 1856 में हुई थी वो थी अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? तो वो है इलाहाबाद बैंक, जिसका अब नाम इंडियन बैंक भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो होते हैं जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस रूप में प्रांगण थी? तो ये थी ठुमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में सेंसस 2011 से क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर कर रखा है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? डेंसिटी पूछ रहा है, तो जो डेंसिटी हाइएस्ट थी वो थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है? वो बनी थी मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये बहती है ब्रह्मपुत्र। अगर आपको रिवर में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिवर का टॉपिक भी एक अलग से कराने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन MSP हैज़ फोर्स फार्मर टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन टू प्रोडक्शन ऑफ डैस। तो इसका आंसर है वीट एंड MSP के प्राइस बढ़ने के कारण जो लेबर थे वो उनका प्रोडक्शन
कोर्स ग्रेन से उनका प्रोडक्शन वीट और राइस पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है और आप ये भी पढ़ सकते हैं बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिफाइनरी कहाँ पर खुली थी ये पूछा गया, तो ये खुली थी मथुरा में। नेक्स्ट है द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल विच गेट वॉश फ्रॉम द फील्ड एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर डैश टू फ्लोरिस, तो ये न्यूट्रिएंट होती है एल्गी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज के लिए हमें सबसे कम क्या चाहिए होता है, इंस्टीट्यूट्स टू एजुकेट पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद डैस, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस फील्ड में मिलता है, तो वो मिलता है आउटस्टैंडिंग कोचेस को मिलता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ पार्ट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एज पर द पेरिस अकॉर्ड टू ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया हैज मेड अ प्लेज डेट बाई 2030 डैश ऑफ आवर इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी सेल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, तो ये थी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था, तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो आर्टिकल 72 होता है वो प्रेसिडेंट की पावर को से डील करता है जो वो पार्डन्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी स्कॉलर आर्ग्यू डेट द मेसोपोटामियन पीपल ऑफ टीग्रीस यूफ्रेटिस वैली कोल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते थे वो मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कमांड ऑफ इंडिया आर्मी लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिलेटेड विद द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में होता है ईरिस, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है स्क्लेरा SCLERA, सेकेंड पार्ट है कॉर्निया CORNEA, थर्ड पार्ट है ईरिस IRIS, फोर्थ पार्ट है पीपिल PUPIL। जो स्केलरा होता है ये आउटर कवरिंग होता है आई का, ये एक प्रोटेक्टिव टफ वाइट कलर की लेयर होती है। जो कॉर्निया होता है ये फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्केलरा का, जो लाइट आई के थ्रू एंटर करती है वो कॉर्निया से होकर जाती है। नेक्स्ट है इरिस, जो हमारा इरिस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आई के कलर के लिए, और जो पुपिल होता है वो हमारे साइज कंट्रोल करता है हेल्प ऑफ इरिस से, और ये जो पुपिल होता है ये बताता है हमारी आँख के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन द ईयर, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो हुआ था 1951 में, इसमें 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था और 9 शेड्यूल में क्या था वो था लैंड रिफॉर्म एंड अबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, जो मौलिद सेकेंड नेम है मिलाद उल नबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ, तो ये विकसित हुआ था जयपुर और लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू स्टेट सेटलमेंट इज इनकरेक्ट, तो जो करेक्ट है पहले हम वो देखते हैं। जो महलवारी सिस्टम था वो लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसमें जो लैंड रेवेन्यू मिलता था वो टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता था, और ये जो सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ था 1822 में।
अब जो सही नहीं है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो जमींदार को मिलता था, नहीं ऐसा नहीं होता था। अगर आपको ये सिस्टम इसके बारे में जानकारी करनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें इसके बारे में फुल डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें आप ओलंपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पैरालंपिक्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं और कॉमनवेल्थ गेम के बारे में भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर दैस हु वाज डेप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, तो ये था मुर्शिद कुली खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपेम और कराची नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, जो क्यूपेम और कराची है वो है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, GVA इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GVA। पहले इन्होंने GVA को डिफाइन किया है, GVA वैल्यू होती है गुड एंड सर्विसेज की जो एक एरिया में इंडस्ट्री में और एक सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है। अब GVA की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल धौला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द इंडिया इंटरनेशनल KM बेनामोल, जो KM बेनामोल है वो रिलेटेड है एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है या तो कम होती है, वो जितने टाइम ऑफ इंटरवल में वो ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन, तो जो स्किन से ब्रेथ करता है वो होता है फ्रॉग। एक क्वेश्चन आता है थ्री चैम्बर हार्टेड का, तो जो थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं वो होते हैं ऑक्टोपस में, जो फिश में होते हैं टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट, फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं क्रोकोडाइल में, बर्ड में और मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम। ये मैंने साइंस की क्लास में पढ़ा रखा है रिएक्टिविटी सीरीज, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। लीस्ट रिएक्टिव मेटल है प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम एंड ओसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक, जो पॉलीएटॉमिक है वो है सल्फर। अब हम देखते हैं ये पॉलीएटॉमिक होता क्या है। पहले एक टर्म आता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होता है एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में किसी मॉलिक्यूल में एक एटम का होना, ये जनरली नोबल गैसेस में मिलता है जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियोन, इन सब में। नेक्स्ट है डायएटॉमिक, जिसमें टू एटम होते हैं, ये ऑल हैलोजन्स में मिलता है जैसे कि H2, N2, O2, F2 या फिर Cl2। नेक्स्ट है ट्री एटॉमिक, जिसमें तीन एटम होते हैं उसको बोलते हैं ट्री एटॉमिक, ये मिलता है O3 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलीएटॉमिक, जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा एटम होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, और ये मिलता है सल्फर में, जिसको हम लिखते हैं S8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ बम्बई इन 1865, तो ये बने थे आर्थर क्रॉफोर्ड। नेक्स्ट है लालिंगा टाइटल इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो टाइटल होता है ये होता है फुटबॉल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बोरेमडियो टेम्पल लोकेटेड वेयर ईच ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च ब्रोमेडियो महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। जो ब्रोमेडियो महोत्सव होता है ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में और यहीं पर ब्रोमेडियो टेम्पल भी लोकेटेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट बनी थी जिन्होंने परफॉर्म किया था विंग सूट स्काई ड्राइव जंप, तो ये बनी थी तरुण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज द सन ऑफ आ चीफ ऑफ द जाट्रिकच या फिर जिसको क्षत्रिय क्लैन भी बोलते हैं, तो वो थे वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वाज अ रेजिडेंट ऑफ द मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स अंटिल 1857। तो जो बना था वो बना था रेड फोर्ट। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू नेम आ जूलॉजिकल गार्डन एट देस आफ्टर द फ्रीडम फाइटर एंड रेवोल्यूशनरी असफरउल्ला खान, तो ये बनाया गया था गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानदी रिवर इज इनकरेक्ट। जो महानदी रिवर है वो छत्तीसगढ़ से राइज होती है, ये ठीक है। जो महानदी रिवर है इसका एक पार्ट महाराष्ट्र में भी जाता है, ये ठीक है। और जो इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर होती है, ये ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका ये होता है, जैसे जो रिवर होती है वो ड्रेन कहाँ होती है, दो जगह पे रिवर ड्रेन होते हैं, एक बे ऑफ बंगाल में, एक अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कम होती है, गिनी चुनी, उनको आप याद कर सकते हैं और अदर को हम दूसरी जगह पर डाल सकते हैं। जो इसमें गलत है वो है इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, तो ये बुक लिखी थी रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्कीम से रिलेटेड है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। एक साल में एक कंट्री में जितनी भी गुड और सर्विसेज बनाई जाती है उसकी मनी वैल्यू को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो पहले आए थे चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट एक राइट हुआ करता था, बट अब ये आर्टिकल 300A में लीगल राइट है, इसको हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द होगेंकल फॉल लोकेटेड। जो होगेंकल फॉल है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, ये किया गया था 1956 में पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर पेंशनर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशनर के लिए जो बायोमेट्रिक डिजिटल सर्विस स्टार्ट की थी, जीवन प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवेसा मलिक इज एन इंडियन डैश प्लेयर, तो ये गोल्फ प्लेयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो वो आता है फिस्कल डेफिसिट। अब तीन टाइप के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये निकलता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस करके। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम माइनस करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू में हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को प्लस करके उनमें से माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से।
नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करते हैं, जिसमें टोटल रेवेन्यू में एक्सक्लूडिंग होती है बोरोइंग उस फिजिकल ईयर की। इसके लिए काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, तो अगर पेपर में आए तो आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट प्रीवियस बोरोइंग की माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉकी प्लेयर, तो जो हॉकी प्लेयर नहीं है वो है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्रोनिकल लैंग्वेज वाज अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लीला तिलकम रिटन, तो ये लिखा गया था मनी प्रावलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय शशि थरूर, तो शशि थरूर के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है द हिंदू वे, एन इरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडोमिकल प्राइम मिनिस्टर, जो शशि थरूर ने नहीं लिखी वो है मेकिंग इंडिया ओशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्किन कॉल्ड द डैस, जहाँ पर हमारे आई में इमेज बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइमरी एक्टिविटी है फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच, जिसके अंदर जो स्टेट होते हैं वो एजेंट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया नेशनल एपिलेप्सी डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड ऑन, जो नेशनल एपिलेप्सी डे है वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द साइंस दैट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, तो वो डील करता है एटोनॉमी, जो लॉजी वर्ड होता है वो लॉजी वर्ड किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब ये 2019 का तो पेपर में आ नहीं सकता, तो हम इस पेपर के लिए देख सकते हैं जो हमें पेटा अवार्ड 2022 किसे मिला है, जो 2022 मिला है वो मिला है श्रद्धा कपूर को बेस्ट वेगम फैशन स्टाइल आइकन के लिए, एक मिला है जे वालिया को बेस्ट वेगन फैशन मूवमेंट के लिए, और दिया मिर्जा को मिला है बेस्ट वेगन किस वेयर ब्रांड के लिए। 2021 में मिला था आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2022 एशियन गेम, तो ये होस्ट किए हैं चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोफिलीज इज अ डैश विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, तो जो एनोफिलीज होते हैं एक फीमेल मॉस्किटो होते हैं जिससे मलेरिया फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी लोकतांत्रिक देश में फाइनल अथॉरिटी लॉ को बनाने की किसके पास होती है, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलिकबर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो कुलिकबर सेंचुरी है वो है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकेंजी एंड रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड इंट्रोड्यूस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट इन बंगाल वाज अ ट्री कलर फ्लैग डिजाइन, जो ट्री कलर फ्लैग डिजाइन किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अमावस्या ऑफ द कार्तिक मंथ, तो दिवाली को हम कार्तिक मंथ की अमावस्या को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, तो ये आता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। व्हाट इज नॉट अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एज अगेंस्ट सस्टेनियंस फार्मिंग, तो जो स्पेसिफिक फीचर नहीं है वो है इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन लेसर डेवलप्ड कंट्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाल टाइगर वॉज अडोप्टेड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन द ईयर, ये क्या गया था 1972 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, तो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह सेकेंड, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये है आर्टिकल नंबर 43B में. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी वाज द लीडरशिप ऑफ, गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद 1780 में जो खालसा का रिवोल्ट है मुगल अथॉरिटी के खिलाफ वो लड़ा गया था बंदा बहादुर के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संबद कौमुदी, तो ये न्यूज़पेपर बनाया था, फाउंड किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज मालाबार नेवल एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस के बीच. इसमें आप एक्सरसाइज के नेम भी देख सकते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू रिवर इज द ट्रिब्यूटी ऑफ विच रिवर, जो सरयू रिवर है वो ट्रिब्यूटी है सारदा रिवर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 26 जनवरी 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट 69 ईयर्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, इन दिस ईयर इट वॉज अमेंडेड 10 टाइम्स, तो 12 जनवरी 2019 तक उसमें जो अमेंडमेंट हुए थे वो हुए थे 103. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिया इन आर्चरी, तो तीरंदाजी में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो है दीपिका कुमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट रिप्रेजेंट द हाई पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्ट विच इन द 7th and 8th century अंडर द चालुक्य डायनेस्टी अचीव अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर फॉर्म फ्रॉम नॉर्थन एंड साउथ इंडिया, ये फिर रिप्रेजेंट करता है पाटादाकल के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैस इज नोन एज विटिकल्चर, विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती को करना, जिसमें हम वेजिटेबल फ्लावर और फ्रूट उगाते हैं उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, और जिसमें हम फिश का पालन करते हैं उसको कहते हैं पिसीकल्चर, और जिसमें हम सिल्कवॉर्म की रेयरिंग करते हैं उसको कहते हैं सेरिकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले यायाति एंड तुगलक, तो ये प्ले किए गए थे तिरिस कमांड के द्वारा रिटन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये आप देख भी सकते हैं, फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री बोला जाता था फकीर चंद कोहली को, जो पास अवे हो गए थे नवंबर 2020 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज, तो वो रेशियो होता है 1:8. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज आयन्स होते हैं इसमें हीलियम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट द टीम केरला ब्लास्टर, जो केरला ब्लास्टर है वो फुटबॉल से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल बम्बू डांस ऑफ द मिजोस, जो मिजोस का ट्रेडिशनल बम्बू डांस बोला जाता है चेरू को. इस बार CGL के पेपर में डांस से डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप डांस को भी कवर कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह दुर्रानी द रूलर ऑफ अफगानिस्तान वॉज फोर्ट इन द ईयर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, तो ये थे अकबर के कोर्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011 and 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन ऑफ रूरल इंडिया गोट फिक्स एट डेस्ट पर मंथ, तो ये मिली थी
₹8 16। अगर कोई ₹8 16 से ऊपर कमा लेता है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबव हो जाता है रूरल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रिवर फ्रॉम पंजाब इंडिया एंटर द रिवर दैस एंड मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो ये थी रिवर इंदस। नेक्स्ट है, दैस इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। जो स्विच होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, या तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है या तो उसको कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ एंड इज इट हैज मोर चांसेस ऑफ वर्किंग बिकॉज। जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है वो एक अच्छा उदाहरण है लॉ के लिए और इसके ज़्यादा चांस है काम करने के, क्योंकि ये पीपल को इतनी पावर देता है कि वो देख सके कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सरयू रिवर लोकेटेड। जो सरयू रिवर है वो उत्तराखंड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अल्टरनेट रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फाइनल मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018। इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया की रैंक है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ बिकम एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर अंडर द अंडरशिप ऑफ द जाट रूलर सूरज मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज पेपर इन्वेंटेड अप्रोक्सीमेटली 1900 years अगो। तो जो पेपर फाउंड किया गया था वो किया गया था चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है पिंजोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया। जो इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड और वो है अंडमान एंड निकोबार में। जो डोरमेंट वोल्केनो है इंडिया में वो है नारकोंडम वोल्केनो और वो भी अंडमान सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द एनेक्शन ऑफ पंजाब वॉज कैरिड आउट बाय द ब्रिटिशर। तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केलकर कमेटी 2015 इज रिलेटेड टू। जो केलकर कमेटी थी वो रिलेटेड थी PPP मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बंगाली वुमेन राइटर आशापूर्णा देवी विन द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये मिला था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच नेशन डज स्विमर गोरिका सिंह वो वॉज द यंगेस्ट एथलीट इन रियो ओलंपिक 2016 बिलोंग टू। तो ये बिलोंग करती थी नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद 29 व्यास सम्मान जो अवार्ड मिला था वो मिला था नसेरा शर्मा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला डांस इज परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ। तो ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैस इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्रैंड। पीनियल ग्रैंड से जो सिक्रेटेड होता है वो होता है मेलाथोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रीलंका। जो श्रीलंका में टेम्पल है वो है मुनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक यूज टोकन करेंसी टू पे हिज होल्डर विच वॉज मेड आउट ऑफ। जो टोकन करेंसी बनी थी वो बनती थी चीप मेटल से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट लाइन वाटलैंड द सांबल लेक लोकेटेड, जो सांबल लेक है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज द ग्रेट पाथ डिस्कवर, जो ग्रेट पाथ डिस्कवर हुआ था वो हुआ था मोहनजोदारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू आर्टिस्ट वो हैव यूज देयर आर्ट टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो होता है क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 इज द डैश डेनिशियल सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1872 व्हेन द फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस वर कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एज पर यूनिफॉर्म पैटर्न, तो 2021 का जो सेंसस था वो था 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सीड विद टू कोटलेडोन्स, तो ये होते हैं रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये होती है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम लिख सकते हैं GNP से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज विजिबल ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये होता है मून, जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, तो जब उसके ऊपर लाइट गिरती है जब वो विजिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट यूज एज द प्रिजर्वेटिव टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो यूज नहीं होता वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल, तो ये अपॉइंट किए गए थे 1765 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो फर्स्ट ये हुआ था पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स इज निकनेम एज किमी स्पाइनर, तो ये नाम है भाईचुंग भूटिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती वू रूल्ड ओवर ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन बीर नरेन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, तो ये बिलोंग करती थी गोंड ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नृत्य शास्त्र आइडोफोन आर कोल्ड, उनको बोला जाता है घन वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2017 एक्सक्लूडेड डैश फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री, तो इसने एक्सक्लूड किया था बंबू को ट्री की डेफिनेशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैशन बर्न फार्मिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, अरेबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, कॉइन मिंटेड इन दिल्ली वर कॉल्ड दिल्लीवल, कुतुब अल दीन एबक रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 2006 to 2010, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत, जो इसमें से गलत है वो है अरेबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो देश में स्थित है, महाराष्ट्र के सतारा में, केरल के वायनाड में,
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में या फिर राजस्थान के जोधपुर में। तो ये सिचुएटेड है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूपोली इज अ टाइप ऑफ ओलिगोपोली वेयर इन दैस फर्म हैव डोमिनेटेड और एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ मार्केट। ड्यो का मतलब होता है टू। तो जो ड्यूपोली होती है ये एक ऐसी ओलिगोपोली मार्केट होती है जिसमें जो दो फर्म होती है उनका कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ लोडी डायनेस्टी। तो लोडी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। तो लीस्ट पॉपुलर स्टेट है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन करेक्ट। द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अ फ्राइंग फैन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अ वुडन बॉक्स इज एन example of a luminous object and an empty bottle made of clear glass is an example of a translucent object। तो इसमें से जो करेक्ट है वो है a frying pan is an example of an opaque object। Next question है, which neighboring country and India's boundary was ratified by the constitution 100 Amendment Act 2015। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लोज अलाउ द गवर्नमेंट टू ब्रीच इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट बाय 0.5% पॉइंट एट टाइम्स ऑफ सेवरेज स्ट्रेस इन द इकोनॉमी। तो ये किया गया था एस्केप क्लोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी जैदी वाज अवॉर्डेड द 9 dot प्राइज फॉर द ईयर। तो इनको प्राइज दिया गया था 2019-2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द विंचुड डांस प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो ये जो डांस है ये रिलेटेड करता है गुजरात स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है इनर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गवर्नमेंट इज लोअरिंग टैक्स एंड रेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज इट फॉलोइंग। तो ये होती है एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी। कमला हैरिस द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US हैज़ फैमिली रूट इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी इज द वन ऑफ द कंट्रीज एंशियंट लैक द लैंड या तालाब लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसीज वर लिंक्ड टू द ट्रेन रॉबरी इन 1925। जो 1925 में ट्रेन रॉबरी हुई थी उसका नाम है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ओलंपिक चार्टर आर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट रिटन बाय। तो ये लिखा गया था पीएस डे कॉर्बेटिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक इज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन अ मेडल एट द डैश रियो पैरालंपिक्स। तो इन्होंने मेडल जीता था 2016 के रियो पैरालंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम अंडर ब्रिटिश सर्विलेंस। तो ये एस्केप हो गए थे 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर ईयर बिगनिंग ऑफ 22 March विच इज द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनोक्स। तो ये डे होता है चैत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 10। तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है वो एलिमेंट है नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज एसोसिएटेड विद द अशोक पिलर। तो जो अशोक का पिलर है वो एक पिलर है सांची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचना डोब इज लोकेटेड बिटवीन, जो रेचना डोब है वो रावी और चेनाब रिवर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविनेंस रिगार्डिंग राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जो करेक्ट होता है वो होता है जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अभी आपको नीचे कमेंट में बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में दैस संप्रदाय से जुड़े सेल चित्र रॉक आर्ट का संग्रह है। जो एलिफेंटा केव्स है उसमें मिलते हैं शिव भगवान से रिलेटेड चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को दैस के रूप में जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था एकता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती, तो वो होती है जानू का, जिसको इंग्लिश में ही कैप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, सातवीं अनुसूची की कोई भी अनुसूची, संसद मेगन पूर्ति जिसको इंग्लिश में कोरम कहा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, या फिर मौलिक अधिकार। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, संसद मेगन पूर्ति, या फिर जिसको कोरम बोला जाता है। जो कोरम है वो आर्टिकल नंबर 100 में दिया गया है। और अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था ये सब। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, 6 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया था वो थे जेपी कृपलानी। फर्स्ट मीटिंग में सचिनानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, और फर्स्ट मीटिंग में ही एक सेपरेट स्टेट की मांग रखी गई थी, जिसको पूरी ना होने की वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसने मीटिंग को बॉयकट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, और एच सी मुखर्जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया था, बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र बनाया गया था। इस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, पार्टीशन के बाद जो मेंबर थे वो डिवाइडेड हो गए थे, 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बाद में नाम ट्रेम्बल पड़ा था। नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 22 जनवरी 1947 में, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ट्रेम्बल है उसको अडॉप्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग है जो इंडिया का उसको अडॉप्ट किया गया था। फिर 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, और जो इंडिया था वो डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। उसके बाद 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसमें चेयरमैन बी आर अम्बेडकर को अपॉइंटमेंट किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर थे, फर्स्ट थे मुंशी, सेकंड थे मोहम्मद शाहदुल्ला, थर्ड थे अलाइदी कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिफ्थ थे कीर्तन एंड सिक्स थे मित्तल। नेक्स्ट मीटिंग हुई थी 16 जुलाई 1948 में, उसमें जो हरेंद्र कोमल मुखर्जी और जो वी टी कृष्णमाचारी है इन दोनों को इलेक्ट किया गया था, और ये दोनों सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास्ट और अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा। उसके बाद 24 जनवरी 1915 को लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट था उसको साइन किया गया था और फुली एक्सेप्ट कर दिया गया था, जिसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट था वो इफेक्ट में आ गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट को बनने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का समय लगा था। उसके बाद जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो जीवी मावलंकर को बनाया गया था। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ कहाँ से लिए है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर है कनाडा, कनाडा से लिया है हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर रेजुडरी पावर इन अ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर है आयरलैंड, आयरलैंड से लिया है हमने DPSP नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। उसके बाद है सोवियत यूनियन, जिसको USSR भी बोला जाता था और अब जिसको रशिया बोला जाता है, तो उससे लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटी आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें आते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमारे प्रेम्बल में इंक्लूडेड है। उसके बाद है यूके, यूके से लिया है हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फिर आता है यूएस, यूएस से लिया हमने फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट जो आर्टिकल 61 में है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। फिर हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। फिर साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फिर उसके बाद हमने फ्रांस से लिया है रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटरनिटी इन द प्रेम्बल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग फाउंड एट द साइट ऑफ हड़प्पा डिड इंजीनियर टेक अवे टू बिल्ड द फर्स्ट एड रेलवे लाइन इन पंजाब इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ये मिली थी हड़प्पा के साइड में ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो लाहो डांस है वो रिलेटेड है मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के कवि भानुव्रत आचार्य देश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। जो भानुभक्त आचार्य, इन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। जो नहीं देता है वो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट ब्रूमिंग फ्लावर। जो नाइट ब्रूमिंग फ्लावर है वो है एंजल्स ट्रम्पेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। सारकी राजवंश पंजाब, ओहम राजवंश असम, गजपति राजवंश ओडिशा, मेवाड़ राजवंश राजस्थान। जो गलत है वो है सरकी राजवंश पंजाब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। प्रणीता, पूर्णा, मंजरा या फिर घाटप्रभा। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाटप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया। तो ये था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। द प्राइज मनी फॉर द डैस अवार्ड वॉज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस अमाउंट ऑफ 7.5 लाख टू 25 लाख इन 2022। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसके जो प्राइज मनी था पहले 7.5 लाख था,
अब उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संतातियों को जन्म देते हैं? तो उनको कहा जाता है जयारूस, जिसको इंग्लिश में वीवी पैरस भी बोला जाता है, और ओवी पैरस उनको बोला जाता है जो चाइल्ड को बर्थ नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फॉर द कैपिटलिस्ट बुक के लेखक है? तो ये लिखी थी रघुराम राजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आंशिक परिसरित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जल धाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खट्टे पानी का मिश्रण होता है? तो ये होता है मुहाना, जिसको इंग्लिश में एस्टूरी कहा जाता है, जहां पर नदी और जल धारा के मीठे पानी महासागर के खारे पानी में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेत प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो ये क्या था, विष्णु नारायण भातखंडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेड ऑफिस ऑफ सेबी लोकेटेड? तो सेबी का हेड क्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष 10 में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्सिया कैन बी मेजर बाय इट्स डैश? तो जो इनर्सिया है, जिसको हिंदी में जड़ता कहा जाता है, उसको मेजर कर सकते हैं हम उसके मास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द प्रोविजन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बोथ एट कॉन्स्टेंट प्राइस 2011-12 एंड करंट प्राइस? तो ये रिलीज की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश डैम इज बिल्ट अक्रॉस द स्वर्णरेखा रिवर? तो स्वर्णरेखा रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया? तो ये है चांदिल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है? इंडियन पेनल कोड के बारे में ये पूछ रहा है। तो वो रिलेटेड है, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने उद्देश्य से उस स्त्री पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर टिक कर सकते हैं, बाकी आपको इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेडन नेम ऑफ बेगम नूर जहाँ? तो इनका पहले नाम था मेहर उन निस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी 22 धारा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मौन मुस्कान की मार? तो ये लिखी गई है आशुतोष राणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट पुट प्लेयर फ्रॉम इंडिया? तो ये है तजिंदर पाल सिंह टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिलोसफी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द 3rd ऑफ नवंबर? जो वर्ल्ड फिलोसफी डे है, वो 3rd ऑफ नवंबर में हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये है 6 में, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, और वो 6 है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और यूपी। पहले जम्मू और कश्मीर में भी थी,
अब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वैन आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उस टाइम पर वाइस रॉय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों गार्डन क्रॉप समानतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो ये है राजकोषीय नीति, जिसको इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो ये डांस होता है चेती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य का धेन का एक लोकप्रिय डैश वाघ यंत्र है। तो ये है क्रोडोफोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग BEOSP। द टेस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चन आंसर सेशन विद द एक्यूज। द टेस्ट इज कैरीड आउटेड बाय द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इंफॉर्मेशन और मटेरियल डिस्कवर ड्यूरिंग द टेस्ट कैन बी मेड पार्ट ऑफ द एविडेंस। तो जो इसमें फॉल्स है वो है द ट्रेन इन्वॉल्व अ कंसर्न आंसर सेशन विद द एक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण गुरु वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वर बोर्न इन द स्टेट ऑफ। तो ये बोर्न हुए थे केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं के में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना पत्तियां निकलना सुषुप्तावस्था प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं फिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ मार्च 2021 वेस्ट इंडियन स्टेट स्टैंड फर्स्ट इन जूट प्रोडक्शन। तो ये था वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन डेवलप बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन एंड पार्ट। तो ये की गई थी नुमोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्लम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम। तो ये है धारावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस ड्रामा फोक थिएटर फॉर्म यक्षगान। तो ये रिलेटेड है, तो कर्नाटक इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्नोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू कॉज आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग। तो आर्टिफिशियल रेन करने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं वो है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्प्रिंग टाइड। दिस टाइड आर द हाइएस्ट, दिस टाइड आर द लोएस्ट, दिस टाइड अकर इन न्यू फुल मून, दिस टाइड अकर ड्यूरिंग फुल मून डेज। तो इसमें जो ट्रू नहीं है वो है दिस टाइड आर द लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड बैंक्स द अदर फॉर्मल मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर। ये है द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है, ज्वाला गुट्टा इज एन
इंडियन प्रोफेशनल डेस प्लेयर, तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर डिफेटेड इब्राहिम रोडी एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा इन द ईयर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन इज द इंडियन आर्म फोर्स वेटेरियन डे ऑब्जर्व एनुअली। तो इंडियन आर्म फोर्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ कोहिमा वॉज फोर्ट इन 1944 बिटवीन, तो ये लड़ी गई थी इंपीरियल जापानीज फोर्सेस एंड ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टैक्स इज इम्पोज ऑन ट्रांजेक्शन डेट हैव अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, तो इस टैक्स को बोला जाता है पिगोवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म डिनोटेड टू द हिली पार्ट ऑफ द कर्नाटका प्लेटू, तो उसको बोला जाता है मलनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड वॉज रिटन बाय, तो ये लिखी गई है इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज इम्प्रेजेंट इन रंगून जेल बाय द ब्रिटिश इन द ईयर, तो ये जेल में डाले गए थे 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल इन द एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप EAG स्टेट, तो जो नहीं था इसमें वो था पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो जैसे आपको पता है दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती है और इसमें से जो पार्ट नहीं है वो है सूर डायनेस्टी, और इसमें से जो पार्ट है वो है, फर्स्ट आती है मामलुक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, सेकेंड आती है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड आती है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ आती है सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ आती है लोडी डायनेस्टी। जो मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक, जो खिलजी डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक, जो तुगलक डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक, जो सैयद डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड था 1440 से लेकर 1451 तक, जो लोडी डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो फर्स्ट आती है मामलुक, फिर आती है खिलजी, तुगलक, सैयद एंड देन लोडी। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से आप याद कर सकते हो गुलाम, खिले से आप याद कर सकते हो खिलजी, तो से आप याद कर सकते हो तुगलक, सास से आप याद कर सकते हो सैयद और लो से आप याद कर सकते हो लोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 कम इनटू इफेक्ट, तो ये आया था जनवरी 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये की गए थे 2012 में इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ सुमो रेसलिंग गेम, तो जो सुमो रेसलिंग गेम है वो स्टार्ट हुआ था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये बोला जाता है अल्फ्रेड मार्शल को, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को, और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीएनजी स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल विच ईयर वाज बांग्लादेश अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? तो जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट रहा था 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेसोपोटामियन लैंग्वेज? तो जो मेसोपोटामियन लैंग्वेज नहीं है वो है सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेयरिंग अवध अ डिस्टर्ब रीजन रिक्वायरिंग इट टू बी ब्रॉट अंडर ब्रिटिश रूल? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एस आई बेस्ड यूनिट फॉर फोटोमेट्री द साइंस ऑफ मेजरिंग लाइट एज परसीव बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम? तो इसको कहा जाता है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज द सेप्टक म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये किया जाता है अहमदाबाद में सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लाइव्स? तो ये बुक लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वुड बी रीनेम टू? अगस्त 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932? तो जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था वो किया गया था जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शूट हिमसेल्फ ऑन बीइंग बीसाइज्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस? तो इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी अलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कादम डैम इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कादम रिवर इनटू गोदावरी? जहाँ पर गोदावरी और कादम रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर कादम डैम लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ साइकिल कॉल्ड डेथ इज फर्स्ट वीवर अ नेट टू होल्ड हिज सेल्फ? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी पूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके लिए आपको इंडेक्स पढ़ने पड़ेंगे 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द युमथांग वैली लोकेटेड? तो युमथांग वैली है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट कॉल्ड? इसको बोला जाता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये इकोनॉमिक का चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ टर्म आती है, अब हम वो टर्म पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड आता है आरआर, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, हमारे कंट्री में है आरबीआई, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर मनी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं। और रेपो रेट को हम यूज़ क्यों करते हैं? इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए। 2022 में जो रेपो रेट है वो है 5.9%। नेक्स्ट आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? ये एक मिनिमम अमाउंट होती है जो एक कमर्शियल बैंक को अपने बैंक में रखनी पड़ती है लिक्विड एसेट की फॉर्म में। नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये एक मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट को जो एक कमर्शियल बैंक को अपने बैंक में रखना पड़ता है लिक्विड कैश और गोल्ड की और सिक्योरिटीज की फॉर्म में, और 2000 था 3.35%। नेक्स्ट आता है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पर वो इंटरेस्ट मिलता है जब वो अपने जो सरप्लस फंड है वो आरबीआई में रिजर्व कर सकते हैं।
हम यूज़ करते हैं जब हमें अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट होता है बैंक रेट। ये एक ऐसा रेट होता है जो लोन पर चार्ज किया जाता है, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। इसके बदले में वो कोई भी कोलेटरल, मतलब कोई भी सामान गिरवी नहीं रखते हैं। 2022 में बैंक रेट था 6.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग डांसर इज बेस्ट नोन फॉर द रेनाउंसिएशन ऑफ द भरतनाट्यम डांस फॉर्म। तो ये कहा जाता है रुक्मणी देवी अरुंडाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन पाकिस्तान इज द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द हैंड स्विन फुटबॉल, सैलकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चतुर्स्रम ऑफ द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ फैमिली लाइफ। तो ये बोला जाता है गृहस्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल ऑफ द पोटेशियम इज, तो पोटेशियम का केमिकल सिंबल होता है के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिक्किम, हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजेंडा 21 ऑफ अर्थ समिट 1992 व्हाट डज 21 रेफर टू। तो 21 का मतलब होता है 21st century। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एलिमेंट हैविंग द हाइएस्ट अटोमिक मास अमंग द फॉलोइंग। तो जिसका हाइएस्ट अटोमिक मास है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइव कलर ऑफ द रिंग इन द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स आर रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड डैश। तो वो होता है ब्लैक। अब हम ओलंपिक रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके कलर के थ्रू। फर्स्ट रिंग होती है ब्लू, सेकंड रिंग होती है ब्लैक, थर्ड रिंग होती है रेड, फोर्थ रिंग होती है येलो, फिफ्थ रिंग होती है ग्रीन। ये जो फाइव रिंग होती है ये फाइव कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया को। जो ओलंपिक का फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था 1914 में, और वो पहली बार फहराया गया था 1920 के समर ओलंपिक में जो बेल्जियम के एंटवर्प में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अडी कैलाश इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जो माउंट अडी कैलाश है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ द इंडिया एट फैक्टर को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एक्सेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ हाउ मैनी डिफरेंट इंडस्ट्री। जब हम जीडीपी को फैक्टर कोस में इंक्लूड करते हैं तो इसमें 8 डिफरेंट इंडस्ट्री आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन द रूरल एरिया। तो ये हुआ था फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। तो ये है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागिरी इज अ पीक इन द हिमालय। जो धौलागिरी पीक है वो है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर दैट कनेक्ट द फोर मेजर सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये है आर्टिकल नंबर 45 में। जो आर्टिकल 44 है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। जो ओलिवर ट्विस्ट नॉवल है ये चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ली पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्राइबल आर्ट क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ द वार्ली ट्राइब ऑफ, जो वार्ली ट्राइब है वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नीडेड फॉर ग्राउंड नट कल्टीवेशन ड्यूरिंग इस ग्रोइंग सीजन। तो जो नीडेड होती है वो होती है 5725 सेंटीमीटर की रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। तो बैडमिंटन प्लेयर कौन नहीं है, सायना मिर्जा नहीं है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य ऑल्सो नोन एज श्री गोरंगा वाज अ पॉपुलर वैष्णव संत एंड रिफॉर्मर फ्रॉम। तो ये थे नादिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन विल होस्ट द इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023। तो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम 2023 होस्ट करने वाला है मडगास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट बिल्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी। तो कावेरी में जो रिवर डैम बिल्ट नहीं है वो है मैथोन डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैड रिटन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लिखा गया है प्रेम बिहारी नारंग रायजादा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सीनियोचू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ नवंबर 2020 एशियाटिक लायंस आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर शेड्यूल डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये आते हैं शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर। तो ये है सरयू रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द ब्लैक होल मोन्यूमेंट लोकेटेड। तो ब्लैक होल मोन्यूमेंट है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ द झारखंड स्टेट। तो ये जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करता है वो डांस है मुंडारी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू। तो जो शेड्यूल फोर्थ है वो रिलेट करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेवा इज द हेडक्वार्टर ऑफ। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा में, जो बना था 1 जनवरी 1957 में। जो यूनिसेफ है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ये US के न्यूयॉर्क में है और ये बना था 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है US के वॉशिंग। उसके बाद है यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। ये बना था 26 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी एक्सप्लेन एज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। तो ये डिफाइन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये डिफाइन करता है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता है F इक्वल टू MA,
एफ का मतलब होता है फोर्स, एम का मतलब होता है मास, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये है, फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे कि हम एक बॉल को बाउंस करते हैं, बर्ड फ्लाई कर रही है, और जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं तो हमारे अपोजिट में भी कुछ फोर्स लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये होता है जो एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में वो सेम रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 16 महाजनपद। तो इसमें से जो रिले नहीं था वो था कमरूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष वाज अ पोइट इन द कोर्ट ऑफ किंग कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट में थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्टार्टेड द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ लेडर वर्कर। तो ये स्टार्ट किया था घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिसीज। तो जो एग्जाम्पल नहीं है वो है प्लेग, और वायरल डिसीज कौन सी है, रोजेला, इबोला और एड्स, जो HIV वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बेक्स 20। तो सिम्बेक्स है ये एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज परफॉर्म होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन अ वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अनदर। तो ये किया जाता है पैका डांस। क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट अलाउ परसुएक्शन ऑफ अ पर्सन वो बींग अबॉर्ड रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो ये एक्ट है फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफ रेंडर FEO एक्ट 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2015 हाउ मैनी स्टेट वर द फोकस ऑफ द वर्ल्ड बैंक फंडेड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट NGRPP ऑफ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा NMCG। तो ये किए गए थे 5 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेंट्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म व्हेन द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप ऑफ द टेरेन एंड विद इज ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बम्बई इन डैश अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी। तो फर्स्ट जो सेशन हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का बम्बई में वो हुआ था दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 165 में डिफाइन है, और जो अटर्नी जनरल है वो आर्टिकल 76 में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन वाज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेट फॉर देयर एफर्ट्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोमिस लैंड इज अ बुक बाय। तो ये बुक लिखी गई है ब्रैक ओबामा के द्वारा। नेल्सन मंडेला ने बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मिल्का सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, और प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो ये जो रिलेटेड नहीं है वो है ओड वाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है। तो ये किया जाता है तुलसी का, जिसको इंग्लिश में बेसिल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द आइलैंड ऑफ
लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमिनडीवी चेंज इंटू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये किए गए थे 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खरज टैक्स इम्पोज बाय अलाउद्दीन खिलजी वॉज इक्वल टू अबाउट 10% ऑफ अ पीजन प्रोड्यूस। तो ये था 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी टान से पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन 1935। तो ये किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टू रिलेशन टू केमिकल बेसिस। जो बेस होते हैं वो स्टिकी होते हैं टच करने पर, सोर होते हैं टेस्ट करने पर, और कोरोसिव होते हैं। ये गलत है। और जो बेस होते हैं वो सोपी होते हैं टच करने पर, बिटर होते हैं टेस्ट करने पर, और कोरोसिव होते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। तो ICC का हेडक्वार्टर है UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी बुक्स मंडल्स इज द ऋग्वेद डिवाइडेड। तो ऋग्वेद डिवाइडेड है 10 मंडल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोविंग डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। तो क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है बुरा कट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द सैलोएस्ट पार्ट ऑफ एन ओशियन सोविंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 degree और इवन लेस कोल्ड। तो इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टेबल टेनिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो टेबल टेनिस फर्स्ट स्टार्ट किया गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम कैन इंडिया यूज अंडर द इंडस वैली वाटर ट्रीटी 1960। तो 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्ट द एनुअल सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर। तो ये होस्ट किया जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से, ये भी करंट अफेयर से, ये भी करंट अफेयर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वू रोट द फेमस पोयम हसत ब्रिसत। तो ये लिखी गई थी आमिर खुसरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग मैथड डू मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड यूज फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये किया जाता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज टॉर्स स्टेट लोकेटेड। तो जो टॉर्स स्टेट है वो है पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर इट लेड्स टू। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर राइबोफ्लेमिंग। तो राइबोफ्लेमिंग का अदर नेम है विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ऑर्गेनाइज असत्याग्रह अमंग कॉटन मिल वर्कर एट अहमदाबाद इन द ईयर। तो कॉटन मिल वर्कर के जो अहमदाबाद के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था वो हुआ था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताजमहल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो जो ताजमहल है वो यमुना रिवर के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द स्टेट सेल एक्सवेडो टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ये है आर्टिकल नंबर 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये बुक लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो नोन एज नेहरू लीगवेट एग्रीमेंट। तो इस
तो ये एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज को बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी घर जुटाने और उनको वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है. तो ये है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है निवेश बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और क्षेत्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था. तो ये किया गया था 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस पीरियड स्टोरीज फ्रॉम 1984. तो ये लिखी गई थी सर्वप्रीत सिंह के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटोन एंड एक्सन आर द पार्ट ऑफ द, तो ये पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मुल्लिन नेशनल पार्क लोकेटेड, तो मुल्लिन नेशनल पार्क है मिजोरम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एट बॉम्बे इन इंडिया सेटिंग अप एज अ स्पाइनिंग मिल, तो ये की गई थी 1854 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डेस्क की स्थापना की थी. 1875 में स्टार्ट की गई थी इंडिया लीग. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो ये है एक सदानी विधायिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डज द इंडियाज वुमेन क्रिकेट स्मृति मंदाना हेल्प फ्रॉम, तो स्मृति मंदाना बिलोंग करती है महाराष्ट्र से. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बैपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे, तो ये जाना जाता है वेकोम मोहम्मद बशीर को. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है असफाल्ट का यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी, तो जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिरोही सिरू नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है मणिपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार अ पॉपुलर मोन्यूमेंट एंड मोस्क इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम गो कैबिनेट काओ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है, तो ये की गई थी मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पेपर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है, तो ये है चेनाब रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड को समर्पित है, तो ये है चिन्नास्वामी स्टेडियम की. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खास अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो ये रिलेट करता है त्वचा स्किन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं, यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ जाते हैं, तो ये रखते हैं 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रूल ब्रेकर, तो ये बुक लिखी गई है प्रीति सेनोई के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने
इवेंट स्टार्ट किया था बरडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन कुड हार्म कॉफी प्लांटेशन। तो जो हार्म करती है वो होती है रेनफॉल एट द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ द बेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FBI कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FBI? तो FBI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। तो ये बुक लिखी गई थी अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर द गंगेटिक डॉल्फिन प्रोटेक्टेड। तो ये की गई है फर्स्ट शेड्यूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग एट वेरिनेंग इज द सोर्स ऑफ डेस रिवर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये है झेलम रिवर का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री और स्टेट ऑफ इंडिया इज टैंग बोच मोनेस्ट्री लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। तो वो है विजातीय, जिसको इंग्लिश में एक्जोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज द टेरिटरी ऑफ बेसियन साइन बिटवीन बाजीराव सेकंड द मराठा पेशवा ऑफ पूना इन इंडिया एंड द ब्रिटिश। तो जो ट्रीटी ऑफ बेसियन है ये साइन की गई थी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो इसको बोला जाता है ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉम ऑफ इटमाड उडोला और इटिमाड उडोला इज सिचुएटेड इन। तो ये है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज। ये थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजट डिवीजन दैट प्रिपेयर्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये किया जाता है इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पिलर ऑफ मराठा एम्पायर। तो ये है प्राचनगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट वॉज गोवा अकॉर्डेड द स्टेट ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। तो ये किया गया था 56 अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट। तो ये फाउंड की गई थी धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इज द एनर्जी लेवल इंडेक्स फॉर एन एटम देन फॉर द एम सेल एन इज इक्वल टू। तो एन इक्वल होगा 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग दिस इज कॉज बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमली बाय एडस मॉस्किटो। तो ये जो डिसीज फैलती है इससे वो है जीका फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है वो है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू अचीव द गोल ऑफ वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। तो ये किया गया था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did the Hindu Succession Act abandon the rule of primogeniture in India? तो ये किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फूड फ्रॉम द स्टोमच पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड होता है वो स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नेक्स्ट है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है,
Saliva contain an enzyme called salivary lipase that break down to starch into simple sugar. ये गलत है. Next है food enter the stomach through the esophagus. तो ये सही है. Next question है which of the following part of the human body contain gustatory receptor. तो ये करता है tongue control करती है. Next तो क्वेश्चन है फार्मर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द पोला फेस्टिवल बाय वर्शिपिंग देयर बुलॉक्स. बुलॉक्स को पूजकर बैल को पूजकर ये पोला फेस्टिवल बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट अवध डायनेस्टी. तो ये क्या था सादत खान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट. तो थार डेजर्ट में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है लूनी रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बंबू मिशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM टू शोकेस बंबू प्रोडक्ट. तो ये था ग्रीन गोल्ड कलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ. तो ये बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के रेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म बाई इंडियन मर्चेंट इंडस्ट्रियस टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस इंटरेस्ट. तो ये की गई थी 1920 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज द कंट्री हैविंग कंप्लीट पोलिटिकल फ्रीडम एंड बींग द सुप्रीम ऑथोरिटी. तो ये वर्ड है सोवरेनिटी सोवरेन. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगेतिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो जो विक्रमशिला गंगेतिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बिहार में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्प्लॉय टू ऑफसेट लॉसेज इन इन्वेस्टमेंट बाई टेकिंग एन अपोजिट पोजिशन इन अ रिलेटेड एसेट. तो ये कहा जाता हैजिंग को. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ यस बैंक इज. यस बैंक के फाउंडर है राणा कपूर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पल इन मंगलालुरु डेडिकेटेड टू एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा. तो ये टेम्पल है कादरी मजुनाथा टेम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट आ लिव लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबटेल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड इज अ बुक रिटन बाय. ये बुक लिखी गई थी रामचंद्र गुहा के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीरथ मुखर्जी इज एन इंडियन ये टेबल टेनिस प्लेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनऑग्रल ओलंपिक कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज इन द ईयर 1994 इन पेरिस में बनाई गई थी. ये वाला पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन आर वाटरमेलन मस्कमेलन एस्केटो प्रोड्यूस इन इंडिया. तो ये उगाए जाते हैं जैद सीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है जगोए एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ. तो ये डांस फॉर्म है मणिपुर का. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आइदर सिंगली और इन अ जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द डैश फॉर हिज एसेंट. तो ये साइन के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन. तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था 1950 से 1951 के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI. तो ये है रेपो रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो बर्निंग कोई मैटर नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द
लिटरेचर ऑफ द मेडिवल इंडियन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो जो करेक्ट है वो है जो जयदेव हैं उन्होंने बुक लिखी थी गीता गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई किड मगर अप्री डोमिनेटलिंग फर्स्ट टू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट नॉन फॉर इज एक्टिविज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये फाउंड किया गया था खान अब्दुल गफार खान को, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजा राजेश्वर टेम्पल एट ट्रंजावुर इज डेडिकेटेड टू, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल एम्परर बार्बर इज इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट है वो है ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर, वो फर्स्ट मुगल रूलर थे। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1454, वो 1454 में बैठे थे। ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना, इन्होंने फरगाना के थ्रोन को सक्सीड किया था। और जो गलत है वो है ही वॉज 18 ईयर ओल्ड वेन ही असेंडेड टू थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पंसिल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये जो पंसिल है ये एक फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन यूनियन टेरेटरी हैज डूगोंग एज ए स्टेट एनिमल। तो ये स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर द क्रॉप। तो ये डिक्लेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब वॉज अ मेंबर ऑफ, ये मेंबर थे रेडिकल ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज नीडेड डैश टू ग्रो, चावल को उगने के लिए हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेटेडियोपाइस। तो ये होता है कि ये ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और ना ही सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सर्व एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिटवीन 1864 एंड 1939। तो ये था, ये बनी थी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो ये लॉ होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनोमेना डज द जेट इंजन वर्क। तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट होम फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन सून बी इस्टेब्लिश। तो ये इस्टेब्लिश किया जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द अजीलामू फोक डांस बिलोंग। तो ये बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इंडो म्यांमार बॉर्डर विच हिल आर जॉइन द मिजो हिल एंड मणिपुर हिल ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड ऑफ इंडिया। तो ये जो ज्वाइन करती है वो है चिन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेजिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये लिखा गया, ये कंपल्सरी हुआ था 24 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य वाज प्राइम मिनिस्टर अंडर द रेन ऑफ। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड। तो ये सिचुएटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वॉज लॉन्च इन द ईयर। तो ये लॉन्च की गई थी 1995 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अ पर्सन इज डेंस एंड अबोव वो कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट. तो ये है ऑप्शन नंबर सी 7. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड बाइंग गुड चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइस इज नोन एज उसको कहा जाता है मर्सेंटाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इन साइड द ओवरी ऑफ अ फ्लावर आर कोल्ड उसको बोला जाता है ओवल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बॉन्ड आर इशूड इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट आउटसाइड इंडिया बाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेज मनी एंड लेंड टू इंडियन कंपनीज. तो ये है मसाला बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है जो मालाबार एक्सरसाइज है वो एक ट्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान और यूएस के बीच में होती है. इसमें से जो युद्ध अभ्यास है वो होती है इंडिया और यूएस के बीच में. जो मित्र शक्ति है वो होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है. तो ये देता है जो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर को जनगह अपराध के लिए वयस्क की तरह सजा दी जानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग टू द नीलगिरी माउंटेन. तो ये जो ट्राइब बिलोंग करती है ये है टोडास ट्राइब. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रेंज इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन वाइल्डर्स जहाँ पर इंडियन वाइल्डर्स मिलते हैं. ये मिलते हैं लिटिल रेन ऑफ कच्छ में. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री कैलकुलेटेड. तो इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन इज अ इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर. तो जो टेनिस प्लेयर है वो है रोहन बोनप्पा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एसेट्री हाउ डिड दिस सेलिब्रेट दिस बाय ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ टिमुर एंड हिमसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज ऑल्सो नोन एज विनेगर. विनेगर का सेकेंड नेम है एसेटिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज लक्ष्मी नारायण शास्त्री एसोसिएटेड. तो ये एसोसिएटेड करते हैं कुचिपुड़ी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द रूल्स अंडर द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स. तो ये आया था जुलाई 2004 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर राडुकानु इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम जो एम आर राडुकानु है ये टेनिस प्लेयर है और ये है यूके से. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोर्टुगीज वाइसरॉय इज इंडिया. तो वो थे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 126th अमेंडमेंट बिल 2019 एम्स टू रिटेन द इंक्लूसिव करेक्टर एज एनविजन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कंटिन्यूइंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससी एंड एसटी अप टू. तो ये एक्सटेंड की गई है कर दी गई है 25 जनवरी 2030 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइज सोयर इज पोअर इन ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये होता है सिलिकन इसमें कम मात्रा में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोट गीता रहस्य विच इज़ अ कमेंट्री ऑफ द भागवत गीता इन द मरांडे जेल ऑफ म्यांमार. तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेयर आरोग्य मंथन 2.0 टू सेलिब्रेटेड द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना. तो इसको चेयर किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये है स्पॉन्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नोंग काइंटनेर इज अ कॉन्सर्ट पेनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ डैश फ्रॉम इंडिया. तो इन्होंने फाउंड किया था सीलोंग चैम्बर चोर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज एंड रेवेंस। इसको बोला जाता है बैटलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म। तो ये किया गया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस रिंक कॉल्ड दी कैडू कैनल। तो ये है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द विच अमेंडमेंट एक्ट कैन सन डॉटर एंड देयर मदर गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लेटर्स टू मर्डर। तो ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इस बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड हार्म टी प्लांटेशन। तो जो हार्म कर सकती है वो है जो जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अबोव बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सियन क्रोनोलॉजिकल डिस्क्राइब द मुस्लिम सुल्तान एस। तो ये डिस्क्राइब करते हैं द शैडो ऑफ गॉड की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर स्टार्टेड फेसिंग अ क्राइसिस टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी विच वाज नॉट अ फैक्टर ऑफ इट। तो जो फैक्टर नहीं था वो था द लेटर मुगल कीप्ट अ गुड चेक ऑफ द पावरफुल मन सरदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्शल डांस परफॉर्म विद स्वर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किया जाता है खैरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिंगाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन इज छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व। तो ये किया जाता है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को और कौन कौन से स्टेट फॉर्म हुए थे? पहला हुआ था आंध्र प्रदेश जो हुआ था 1956 में। सेकंड हुआ था छत्तीसगढ़ जो हुआ था 2000 में। फिर हुआ था हरियाणा जो हुआ था 1966 में। फिर हुए थे कर्नाटक, केरल एंड मध्य प्रदेश, ये तीनों 1956 में हुआ था। फिर हुए थे पंजाब 1966 में। फिर तमिलनाडु बनाया गया था 1956 में। और जो यूटी जो 1 नवंबर को फॉर्म हुई थी वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी 1956 में बनाई गई थी। और चंडीगढ़ बनाई गई थी 1 नवंबर 1966 में जो फॉर्मर यूटी थी। दिल्ली बनी थी 1 नवंबर 1956 में। और जो लक्षद्वीप था वो भी बना था 1 नवंबर 1956 में, उसका फॉर्मेशन डे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द वन ऑफ द वर्स्ट इनवेसिव स्पीसीज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। तो ये है जाइंट अफ्रीकन स्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ। तो ये मेंबर थे आर्य समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड नोवेरियन सेल्टपीटर। तो ये कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज एंड हाइव्स फॉर हनी इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर सेक्शन 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये रिलेट करता है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल विलेज नेम प्लासी नॉन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज फॉट विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब सिराजुद्दौला इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये है हुगली रिवर के किनारे। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये लड़ी गई थी 1757 में और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द वॉर्म ओशियन करंट ओरिजिनेटेड नियर द
डैश एंड मूव टूवर्ड द पोल. जो वार्म ओशियन करंट है ये ओरिजिनेटेड होती है इक्वेटर के भूमध्य सागर के, जो फिर बाद में पोल्स की तो तरफ मूव कर जाती है. नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द इज द सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हेल्ड एवरी ईयर इन हरियाणा. तो ये किया जाता है फरवरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद सिक्किम. तो सिक्किम के साथ जो इंडियन स्टेट बॉर्डर फॉर्म करता है वो एक स्टेट बॉर्डर फॉर्म करता है. नेक्स्ट है, अमूल इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम डैश विच बोट इन द वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री. तो ये स्टार्ट किया गया था गुजरात से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल मैस्कोट फॉर द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन कोस्ट गोल्ड कोस्ट इन 2018 वाज. तो उसका मैस्कोट था बोरोबी आ ब्लू सर्फिंग कोयला. अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम फॉर अ मैकेनिकल वेव दैट इज साउंड टू ट्रेवल. तो ये होता है वैक्यूम, नहीं होता. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमीटर हाइड्रोमीटर सिप एंड सबमरीन आर डिजाइन ऑन. तो ये डिजाइन किए गए हैं ऑटोमेटिक प्रिंसिपल के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोवा फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू डैश इन द बैटल ऑफ समूगर. तो ये हारे थे औरंगजेब से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टेन डे ऑफ उत्तराखंड इज सेलिब्रेटेड ऑन. तो उत्तराखंड का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 9 नवंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं की संरचना स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है. तो इसको कहते हैं जूलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट आफ्टर उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र में. उत्तर प्रदेश में है 79 और लीस्ट स्टेट जिसमें लोकसभा की सीट है वो है 1, जो है सिक्किम नागालैंड और मिजोरम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर. तो ये बुक लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु में अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है. ये कहलाता है अर्गोनोमी. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेक्स रेशो इज लेस देन 900. तो ये था हरियाणा का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इनएक्टेड. तो ये किया गया था 1856 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन एंशियंट इंडिया बिलीव दैट वैन द डेथ रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण इट लेड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइस एज अ क्षत्रिय इवन इफ इट वॉज नॉट वन बाय बर्थ. तो ये था हिरण्यगर्भ रिचुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते जाते हैं. तो ये है उत्खनन, जिसको क्रोनिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन इरा इन टेनिस बिगेन इन डैश वैन द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एग्री टू अलाउ प्रोफेशनल प्लेयर टू कम्प्लीट विद एमेचर. तो ये स्टार्ट किया गया था 1968 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेबांग बुमानी डांस इज अ पार्ट ऑफ द फोक डांस रेपर्टर ऑफ विच ऑफ द दीज इंडियन स्टेट. तो ये है त्रिपुरा में ये परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम में से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है. तो ये कहा जाता है पारिस्थितिक विकास. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैन इज वुमेंस एंटरप्रोनरशिप डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड टू द कोच फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रीवियस इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड, तो ये जो टीचर को मिलता है ये होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो ये होते हैं 23 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश अंडर अ एक्ट पास इन द ईयर, ये किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज सांची डिक्लेयर एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये डिक्लेयर की गई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू बैंकिंग CTS इज अ एक्रोनियम फॉर, CTS की फुल फॉर्म है चेक ट्रांसकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन लेड द नो टैक्स कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर द फ्लड इन खैरा इन 1918, तो ये स्टार्ट किया था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम स्पोर्ट इज द विलियम जोनस कप एसोसिएटेड, तो विलियम जोनस कप एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एम्पायर वॉज द फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर दैट कवर ऑलमोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये थे मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब हैज डिप्लेटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन, तो ये की गई थी दक्कन में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर वा लॉन्च इन इंडिया इन, ये स्टार्ट किया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर यमुना, तो ये जो स्टेट नहीं आता है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्टाथाइल स्वर्ण भ्रमण हेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ, ये रिलेट करते हैं वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीएल, तो पीएल बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हजार डोरी पैलेस इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है मुर्शिदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने स्टार्ट किया था संबत कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नियर अलाहाबाद हैज़ द सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट चैनल द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा इवन इन एंशियंट टाइम, तो ये है श्रृंगवेरापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले अभिनाना शकुंतलम बाय कालिदास इज अ लव स्टोरी बिटवीन शकुंतला एंड द किंग, तो ये थी दुष्यंत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्टर्स इन द वूल इंडस्ट्री समटाइम गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड डैश विच कॉजेज अ फैटल ब्लड दिस इज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज, तो इसको कहा जाता है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द वाइट पोर्सन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज एडर्न बाई अ नेवी ब्लू अशोक चक्र अ व्हील ऑफ डैश स्पोक्स, तो इसमें रहती है 24 स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, तो ये बुक लिखी गई है रघुराम राजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खिलजी एंड तुगलक रूलर हैज अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एंड गवर्नर ऑफ टेरिटरी दिस लैंड आर कोल्ड, इस लैंड को कहा जाता था इक्ता सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन, जो चाय और कॉफी है वो उगती है लेटराइट सोइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन देव राय वूज रेंज ओवर विजयनगर फ्रॉम 1509 to 1529 बिलोंग टू द, ये बिलोंग करते थे टुलिप डायनेस्टी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फंडामेंटल ड्यूटी? तो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में। ये वाला पेपर भी मैं पीछे डिस्कस करा चुकी हूँ, अगर आपको ये देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर, ये है तापी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ द बैरन आइलैंड, तो ये है, ये एक ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब ड्यूरिंग द 13th and 14th century, तो ये था खोखर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन, जो मेथड नहीं है वो है ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क इज सिचुएटेड इन, तो ये सिचुएटेड है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू रजिस्टर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट वाज, तो ये तो बने थे वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है डेजर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज इंजेक्टेड इन टू द स्किन ड्यूरिंग आ एंटीबाइट, जब एंटीबाइट करती है तो उससे जो एसिड बनता है वो बनता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो फ्लावर का पार्ट है पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी आ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस फ्रॉम द RBI अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये दिए गए हैं सेक्शन 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील विद द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिस कैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वूमेन, तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 313। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक सम अदर हरप्पन सिटीज धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू डैश पार्ट विद ईच पार्ट सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वर्क, तो ये डिवाइड की गई थी 3 पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक ऑपरेट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन एंड डू नॉट हैव एनी फिजिकल ब्रांच नेटवर्क, तो ये है नियो बैंक। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर और जैनिस वर्धमान महावीर बोर्न इन 6th century BC, तो ये बोर्न हुए थे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस इन इज रून बिलोंगिंग टू मेडिवल हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर एंड इज डिक्लेयर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड एम्प्यूटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर द फायर अल्टर ऑफ हरप्पन कल्चर फाउंड, तो ये फाउंड किए गए थे लोटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बार्ले द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्पिंग फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये है एग्जैक्टोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ सिस्टम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ द कैनल आउटलेट, तो ये कहा जाता है बाराबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरी एंड जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज नॉट लोकेटेड इन मेघालय, तो मेघालय में जो
लोकेटेड नहीं है, वो है दाल फाइर, जो मेघालय में लोकेटेड है वो है गारो खासी जयंती है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ये यहाँ की ट्राइब के ऊपर हिल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज द सिरुई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल GDP इज एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी दैट इंक्लूड डैस इन इज कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब शेड्यूल बना था, जब 8 शेड्यूल थे और अब कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो ये जो मेन फेस्टिवल है मिजोरम का वो है चापचर कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर रूल्ड ओवर, इन्होंने ग्वालियर के ऊपर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंटू लुका इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर वुमेन इज सी अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 18 मीटर रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनी थी वो एसोसिएट करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मालदीव्स टर्न फ्रॉम अ सल्टनेट टू अ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बन गया था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जॉन माइनस कैनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द स्पेशल ड्रॉइंग राइट SDR ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज डिटरमाइंड बाय बास्केट ऑफ करेंसी कंसिस्टिंग ऑफ डेस करेंसी। इसमें कंसिस्ट होती है 5 करेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस परफॉर्म बाय आ टी ट्राइब्स ऑफ असम। तो ये फोक डांस किया जाता है झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो वॉज द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो रिजाइन फ्रॉम द प्रेजिडेंसी इवन आफ्टर बींग इलेक्टेड। तो ये बने थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द कांग्रेस लीडर वो ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इंडिया इन 1928। तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 1944 में बैटल ऑफ इम्फाल लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी ब्रिटिश आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंथ्रोपोड। तो एंथ्रोपोड है मिलीपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। तो वो था केन बेतवा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज द हाइएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइएस्ट पीक है वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैमल्स इन इनकरेक्ट। तो वो इनकरेक्ट है, दे स्वेट आर लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इनकरेक्टली। जो जॉइंट है वो कनेक्ट करता है नेक को हेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो है जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिजन डिड महात्मा गांधी गो ऑन द हंगर स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू सेपरेट इंडिया से इलेक्टोरल सिस्टम बाय कास्ट इन द ईयर 1932। तो ये गए थे येरवडा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सेट अप एज द एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग ऑफ इंडिया। तो ये था नेशनल हाउसिंग बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू मूवमेंट इन द ओशियन? तो ये होती है रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉयलेंस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज अ बुक बाई, ये बुक लिखी गई थी उर्वशी बुटालिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव वो वॉज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया कम टू इंडिया इन द ईयर? तो ये इंडिया में आए थे 1743 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट? तो ये बनी थी अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वूज एडवाइस डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू ट्रेवल थ्रू आउट टू इंडिया फॉर अ ईयर गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल सिंस अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915? तो ये आए थे गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस विच ईयर हैज़ कबड्डी बीन रिकॉग्नाइज एज अ फुलफिल्ड स्पोर्ट एट एशियन गेम? तो ये बन गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बॉलर टू बॉल टू मैडन ओवर इन इंडियन प्रीमियर लीग मैच? तो ये बने थे मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिदी सभा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अनइनहैबिटेड आइलैंड इन इंडिया हैज अ बर्थ सेंचुरी? तो ये है पीटी आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग किंग ऑफ बनारस वॉज अरेस्टेड बाई वैन एन हेस्टिंग इन 1789? तो ये थे चेत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता सरनत कमल इज अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ डेस्क फ्रॉम इंडिया? तो ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल हेल्थ कवर अवेलेबल टू अ फैमिली अंडर अ आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें दी जाती है ₹5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्पोक पर्सन ऑफ अ बैकवर्ड क्लासेस एंड कास्ट इन इंडिया? तो ये कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट रोट द बायोग्राफी ऑफ किंग? तो बाणभट्ट ने बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड? तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन व्हेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम इज हाई? तो ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज इन द इंडियन फेस्टिवल ऑफ ओणम सेलिब्रेटेड इन केरला? तो ये 10 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज? तो ये बुक लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो ये हुए थे 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश स्टेट्स दैट द प्रेजिडेंट कैन नोमिनेट टू मेंबर ऑफ एन इंडियन एंग्लो कम्युनिटी टू द लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्यूएटली रिप्रेजेंटेटिव? तो ये दिया गया था आर्टिकल 331 में, जिसको अब हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविंग पैक्ट कब साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन डीपेस्ट पॉइंट इज जावा ट्रेंस? तो ये है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज यूज टू इन्फ्लेट पार्टी बलून? तो वो बलून्स में भरी जाती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नृत्य शास्त्र डिस्क्राइब स्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एज? तो इसको बोला जाता है ताट वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज अ
लीजेंड रेले लाक फकीर एसोसिएटेड विद तो ये एसोसिएट करते हैं बोल से द कॉटन टेक्सटाइल कैलिको ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ तो ये अभी है केरल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोट द बुक इंडिया एंड इंट्रोडक्शन तो ये बुक लिखी है कुशवंत सिंह ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स तो जो फॉल्स है वो है लिथियम हैज़ अ हाई डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वो अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर वाज रेफर टू एज द डीकूस तो ये हैं आउटसाइडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है 26 नवंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन तो टेरेस फार्मिंग एक मेथड होता है सोइल को बचाने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन रूल डेट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द आवर पॉलिटिकल लीडर मैनी ऑफ दिस लॉ आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ तो ये दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में राइट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनिक थीम इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है ये एक ऑस्ट्रेलिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ टाइप ऑफ फॉल इन द गेम ऑफ हॉकी तो जो कंसिडर नहीं किया जाता है वो है अगेंस्ट द प्लेयर वो हिट द बॉल यूजिंग अ फ्लैट साइड ऑफ द स्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइन बैलेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस इन हुडेंस हुमैन इज अ ये एक वायरल डिसीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग फॉरन ट्रैवलर वाज एन इटालियन मर्चेंट वो विजिट द विजयनगर किंगडम तो वो थे निकोला डे कोंटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज करेक्टराइज बाय अ स्ट्रॉन्ग स्पाइडरी सर्कुलेटिंग विंग अराउंड द सेंटर कॉल्ड इसको कहा जाता है आई. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज बोध गया एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर क्योंकि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू होनर इज फाइनेंशियल और ऑब्लिगेशन और मेक पेमेंट टू इस क्रेडिटर इट फाइल फॉर डेथ इन द कोर्ट तो ये फाइल कर सकता है बैंक्रप्टसी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गोरीचन है ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टार्टेड तो ये स्टार्ट किए गए थे 1954 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट इंट्रोड्यूस टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन तो ये एक्ट किया गया था 1835 में स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज अ पिगमेंट कॉल्ड लूसीफेरिंग तो ये होता है फायरफ्लाई में. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिसीज तो ये है क्लोरेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू लॉन्च एन ई बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर पैसेंजर ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट तो ये बना है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द आउटसाइड लेयर ऑफ स्किन ऑन द ह्यूमन बॉडी तो ये है एपिडर्मिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट ऑन द फॉलोइंग रिवर जो स्लैल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो चेनाब रिवर पर बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पट्टे चिट्ठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद द स्टेट तो ये रिलेट करती है ओडिशा स्टेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस तमिल एपिक कंपोज बाय इलियांगो इन एंशियंट टाइम तो ये है सिलापादी करम. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विड
रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो करेक्ट है वो है द जुडिशरी रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ चक्कर वाज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ट्री कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड इन द ईयर। तो ये अडोप्ट किया गया था 1931 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैसियन इज़ अ फेमस फेस्टिवल विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये ओरिजिनेट हुआ था नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की हाइएस्ट टॉलेस्ट डैम है टेहरी डैम जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 6 फंडामेंटल राइट है और 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इरेक्टेड इज फर्स्ट स्टैचू डेडिकेटेड टू द फीमेल फ्रीडम फाइटर इन कोलकाता मैदान। व्हाट वाज हर नेम। तो इनका नाम था मटंगिनी हाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल सीबेड ऑथोरिटी फॉर एक्सप्लोरिंग माइनिंग। तो ये की गई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल जीडीपी इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो ये बने थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाअधिराज। तो ये बने थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ डैश डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सक्यूजन डिटर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्ट आया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियन करंट का फीचर नहीं है। तो ये फीचर है नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट डायरेक्शन। इनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म साखियाज लिटरेरी मीन्स बर्थ स्टोरी आर राइटिंग विच प्रोफेस टू द बायोग्राफी ऑफ। तो ये बायोग्राफी है गुरु नानक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन अलॉय। तो अलॉय है ब्रोंज। अलॉय होता है जो दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो जो मेजर नहीं करता वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नागजीरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो स्टार्ट हुए थे 1951 से 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज़ अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ओशियन कोल्ड। इनको कहा जाता है थर्मोक्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कथक वट ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ डैश इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये है स्टोरी टेलर्स की एक कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये मोमेंटम ऑफ बॉडी को हम डिफाइन कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन क्रिकेट। तो मिड लैग कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेमिडोमेनोस ये एक एग्जांपल है एल्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर वॉज द डॉटर ऑफ टर्किश रूलर। तो ये थी इल्तुतमिश की डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द गदर पार्टी फॉर्म इन द यूएस। तो ये बनी थी 1913 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल रिस्पेक्टिवली वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2019? तो 2019 में 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस मेड द कंट्री प्राउड इन मलेशिया बाय बींग द फास्टेस्ट इंडियन टू कम्प्लीट द आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन इन रिकॉर्ड टाइम? तो ये बने थे स्वरूप सिंह कुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज बाय द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टू टेक इन वाटर? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फीफा रेगुलेशन अ फुटबॉल सोकर मैच कंसिस्ट ऑफ 245 मिनट्स हाफ विद अ डैश रेस्ट पीरियड इन बिटवीन? तो इनमें जो रेस्ट का टाइम दिया जाता है ये दिया जाता है 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल? तो ये कहा जा ये दिया था गया था पुरकिन साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वे फ्रीडम ये बुक लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन गेम? तो ये बनी थी कमलजीत संधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट अकर बिफोर द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया? तो ये हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ डैश इज टू प्रमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री? तो ये था द कॉन्स्टिट्यूशन 73 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1952 उसका एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वन द, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो फायरवुड होता है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन टर्म ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम? जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जामन खाना मॉस्क जो दिल्ली में है वो बनाया गया था खीर खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बींग स्टक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है सोनोरस। व्हाट मेक द सॉइल फर्टाइल? तो ये बनाता है द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग इज द प्लेस वेयर द भागीरथी जॉइन अलकनंदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन एंड यूजेस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, जिसको कहा जाता है कोलेट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू लैंग्वेज इज विच द कंडगर बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन वर रिटन? तो ये लैंग्वेज है ग्रीक एंड अरामेइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, बुक लिखी गई थी वॉइस ऑफ डेक्सन, ये लिखी गई थी रोमिला थापर के द्वारा। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको PDF चाहिए या फिर कुछ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।